अगर आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कराना है, जैसे कि नेम चेंज कराना है, फादर नेम चेंज कराना है, डेट ऑफ बर्थ में करेक्शन कराना है, एड्रेस अपडेट कराना है या फोटो अपडेट कराना है, तो इसके लिए नया पोर्टल लॉन्च कर दिया गया है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको नए पोर्टल के थ्रू वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन कराने का कंप्लीट प्रोसेस दिखाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने वोटर आईडी कार्ड में कोई भी करेक्शन कराने के लिए आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल फोन पर एक ब्राउजर ओपन करेंगे, उसमें आप टाइप करेंगे nvsp.in। इसमें आपको वोटर पोर्टल मिल जाएगा, इस पर आप क्लिक करेंगे। इसमें पहले आपको लॉगिन करना होगा। आप यहां साइन इन विद जीमेल पर क्लिक करेंगे और अपने गूगल के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। कांग्रेचुलेशंस, लॉगिन हो चुके हैं। इसके बाद टर्म्स को एक्सेप्ट करेंगे, वेलकम। इसमें पहले आपको प्रोफाइल डिटेल्स फिल कर देनी है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, स्टेट और जेंडर। इसके बाद सबमिट। अपने वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन करने के लिए आप यहाँ ये वाला ऑप्शन चूज करेंगे, करेक्शन इन वोटर आईडी कार्ड। इसके बाद यहाँ लेट्स स्टार्ट पर क्लिक करेंगे। अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो आप यहाँ यस करेंगे, अगर नहीं है तो आप नो करेंगे। चलिए हमारे पास वोटर आईडी कार्ड नंबर है तो हम यस करेंगे। अब यहाँ पर आपको अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है और फेच डिटेल्स पर क्लिक करना है। 91 करोड़ लोगों के डेटा में से आपके वोटर आईडी कार्ड नंबर को फाइंड कर लिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, वी हैव फाउंड दिस रिकॉर्ड। तो आप यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे, आपके सामने आपकी डिटेल्स आ जाएगी, जैसे कि आपका नेम, फादर नेम, जेंडर, एड्रेस। तो आप यहाँ सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मोबाइल नंबर डालना होगा, उस पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, आपको वो ओटीपी भी डालना होगा। ओटीपी डालकर वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको सिलेक्ट करना होगा कि आपको अपने वोटर आईडी कार्ड में क्या करेक्शन कराना है। आप अपने वोटर आईडी कार्ड में नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, रिलेशन, जेंडर, एड्रेस और फोटोग्राफ का करेक्शन करा सकते हैं। एक बार में आप 3 करेक्शन करा सकते हैं। जैसे कि अगर आपको नेम में करेक्शन कराना है तो नेम पर आप टिक करेंगे, डेट ऑफ बर्थ में भी आपको करेक्शन कराना है तो आप इस पर टिक करेंगे, और अगर आपको फोटो भी अपडेट करना है तो आप इस पर भी टिक करेंगे। तो एक बार में आप 3 करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पर आपको सिर्फ वही डिटेल्स डालनी होगी जिनमें आप करेक्शन कराना चाहते हैं। जैसे कि नेम में करेक्शन कराना है तो फर्स्ट नेम, लास्ट नेम डालेंगे, हिंदी में ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा। अगर हिंदी में सही से कन्वर्ट नहीं होता है तो आप गूगल इनपुट टूल की हेल्प से उसको सही कर सकते हैं। इसके बाद आपको नेम का एक प्रूफ अपलोड करना होगा, जैसे कि पैन कार्ड, आधार कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट जिसमें आपका नाम सही लिखा हुआ है जो आप अपडेट कराना चाहते हैं। इसके बाद जैसे कि हम डेट ऑफ बर्थ में भी करेक्शन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करेंगे और जो भी डेट ऑफ बर्थ रखनी है वो यहाँ से चूज कर लेंगे। बर्थ प्रूफ भी आपको अपलोड करना होगा जिसमें आप आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, इंडियन पासपोर्ट या कोई मार्कशीट भी दे सकते हैं। जैसे कि हम पैन कार्ड चूज कर लेते हैं। अब जो भी डॉक्यूमेंट आप यहाँ पर चूज करेंगे वो आपको अपलोड भी करना होगा, सिलेक्ट फाइल टू अपलोड। डॉक्यूमेंट सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है, यहाँ पर आप डॉक्यूमेंट का नंबर डाल देंगे। इसके बाद नीचे आ जाइए, हम फोटो में भी करेक्शन कराना चाहते हैं तो यहाँ पर फोटो को सिलेक्ट करेंगे, अपलोड फोटोग्राफ। इसमें यहाँ क्रॉप पर क्लिक करेंगे और जितना भी फोटो आपको रखना है उतना एरिया आप सिलेक्ट करेंगे और अपलोड पर क्लिक करेंगे तो आपका फोटो अपलोड हो जाएगा, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू। इसके बाद आपको एक डिक्लेरेशन देना होगा जिसमें यहाँ पर आप अपना नाम डालेंगे। इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू, आपके सामने पूरा फॉर्म आ जाएगा। अगर आपको इसमें कोई एडिटिंग करनी है तो आप एडिट फॉर्म पर क्लिक करके उसको सही कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है सब कुछ बिल्कुल सही है तो आप सबमिट पर क्लिक करेंगे। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी और आपको एक रेफरेंस आईडी दे दी जाएगी जिससे आप स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं कि आपका वोटर आईडी कार्ड अपडेट हुआ है या नहीं। किसी भी टाइम अपने वोटर आईडी कार्ड का स्टेटस चेक करने के लिए आप ट्रैक एप्लीकेशन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डालकर ट्रैक योर स्टेटस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपकी एप्लीकेशन का स्टेटस आ जाएगा। जैसे कि इसमें BLO अपॉइंट होगा, इसके बाद BLO अपने लेवल पर वेरिफिकेशन करेगा, उसके बाद आपके एप्लीकेशन को एक्सेप्ट किया जाएगा और वोटर आईडी कार्ड में करेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बाय पोस्ट वोटर आईडी कार्ड आपके एड्रेस पर सेंड कर दिया जाएगा। सो इस तरीके से न्यू पोर्टल में आप अपने वोटर आईडी कार्ड में आसानी के साथ करेक्शन करा सकते हैं।